और एक और बड़ी खबर हमें इस वक्त की मिल रही है बुरहानपुर से, जहां पर नेपानगर वन परिक्षेत्र के बदनापुर गांव का गोलीकांड मामला, और इस मामले में डीएफओ, एसडीओ और रेंजर के निलंबन और गिरफ्तारी पर आदिवासी अभी भी अड़े हुए हैं। तो पिछले 18 घंटे से नेपानगर थाने का घेराव आदिवासियों ने किया हुआ है और डीएफओ इसके साथ ही अन्य अधिकारियों के निलंबन की मांग की जा रही है। तो नेपानगर वन परिक्षेत्र के बदनापुर गांव का गोलीकांड मामला, जिसको लेकर आदिवासियों ने पिछले 18 घंटे से थाने का घेराव करा हुआ है और डीएफओ, एसडीओ और रेंजर के निलंबन की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर से, जहां पर पिछले 18 घंटे से ग्रामीण यहां बैठे हुए हैं और डीएफओ, एसडीओ इसके साथ ही रेंजर की निलंबन की मांग इनके द्वारा की जा रही है। संवाददाता सागर चौरसिया हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जी सागर, 18 घंटे से ग्रामीण आदिवासी बैठे हुए हैं यहाँ पर, थाने का घेराव किए हुए हैं, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, क्या कदम आगे बढ़ाया गया है इस मामले में? बिल्कुल जया, मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो मामला है बदनापुर के गोलीकांड का मामला है, इसको लेकर जो है कल आदिवासियों ने थाने का घेराव किया था। पिछले 18 घंटों से जो है थाने को घेरे हुए है और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए है। अभी तक के शासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। आदिवासियों को हटाने की कोई कार्रवाई की जा रही है, इस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं सागर अभी तक, क्योंकि 18 घंटे से यहाँ पर आदिवासी डटे हुए हैं, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करके यहाँ थाने का घेराव करके बैठे रहेंगे। कुछ बातचीत हुई है अभी आदिवासियों से, वहाँ के अधिकारियों द्वारा कुछ बातचीत हो पाई हो, कोई कदम आगे बढ़ाया गया हो, समझाइश दी गई? बिल्कुल, लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों का हमला वहाँ लगातार पूछ रहा है और उनसे बातचीत कर रहा है लगातार, पर लेकिन जो है आदिवासी अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। और चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए।